हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच, आपकी खबर। विश्व हेल्थ दिवस के उपलक्ष में स्वास्थ्य सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाला देश का जाना माना पारस HEC अस्पताल स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य हेतु बैक टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया। इस मौके पे कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, साथ ही कई स्कूलों के प्रिंसिपल रहे जिनके बुके देकर सम्मानित किया गया और पोस्टर लॉन्चिंग की गई। इस मौके पे पारस के चिकित्सक एवं कई स्कूलों के प्रिंसिपल साथ मौजूद रहे और इस पोस्टर की लॉन्चिंग में अपनी उपलब्धता हाजिर की। इस मौके पे उन्होंने कहा कि बच्चों में दो सालों में जो कमियां आई हैं, जैसे कि मोबाइल देखने से आंख खराब या फिर दांत की परेशानी, उनको हम स्कूलों में कैंप लगाकर दूर करने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी पहल। नहीं सर, हम लोग बहुत ही मतलब इमोशनली चार्ज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों के बाद हमारा ये फैसिलिटी एक डेढ़ साल पहले आ जाने वाला था। अभी डेढ़ साल के बाद हम लोगों ने मेहनत करके इस फैसिलिटी को इतना बनाया है और ये 16 अप्रैल को इसको हम लोग रिलॉन्च करने वाले हैं। और ये अब सारे फैसिलिटीज के साथ सुसज्जित हॉस्पिटल है और हमने शहर के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनको साथों में जोड़ा है, इसमें उनके साथ बेस्ट स्वास्थ्य मुहैया करा सकते हैं। सर, जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे या जो स्कूल जुड़ना चाहेंगे, वो क्या करेंगे? वो हमारे यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जो भी स्कूल जुड़ना चाहे उस फ़ोन नंबर पे कॉल करेंगे। हम फिर वहाँ जाके उनसे बात करके ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करके उनके बच्चों के लिए क्या है कॉस्ट? कोई कॉस्ट नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। नंबर क्या है सर, कैसा लगता है? और मतलब बच्चों से दो साल के बाद जब आ रहे हैं तो क्या ये सोचेंगे? ये बहुत ही खुशी होती है कि समाज को जोड़ने का काम हो रहा है। स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, ये को संस्थान, इस तरीके की संस्थान आगे बढ़ कर के जड़ों की बात करे, समाज की बात करे, बच्चों की बात करे, लोगों को रोग न हो इसकी बात करे, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और समाज इसका स्वागत करता है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया, हम सबको सम्मानित किया और ये समाज को जोड़ने का काम करेंगे। कैमरा के लिए सर, हाँ जी, कैमरा के लिए परिचय। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं प्रिंसिपल सफायर इंटरनेशनल स्कूल रांची। थैंक यू। आए होंगे दो सालों में या फिर जाँच कराना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं अभी यहाँ आया, अंदर आया हूँ अभी, जस्ट अभी एक साल पूरा हो रहा है। पहले मैं रिमोट में था, वहाँ ऐसे प्रोग्राम नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर से हेल्थ एक बहुत जरूरी चीज़ है। एक है, जब आदमी के पास दिमाग है, सारी कुछ क्षमताएँ हैं, लेकिन अगर उसके पास ये हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। कितना भी आदमी बौद्धिक क्षमता हो और उसके पास कार्य करने की कुशलता हो, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो बेकार हो जाता है, सारी जिंदगी भर का ट्रेनिंग बेकार हो जाता है। मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं खुद अभी पोस्टिंग नहीं करता, मेरा भी उम्र लगभग 47 पूरा हो रहा है, लेकिन अब दावे के साथ कहता, जब से मैंने होश संभाला, एक दिन में मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। जो कुछ भी हो, एक दो छोटा मोटा बीमारी जरूर होती है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा हेल्थ के लिए केयर करने के लिए बार-बार बोलता हूँ। इसलिए खेल कूद में हमेशा तैयार रहें जरूरी है, अगर इसके बिना अगर हेल्थ ही नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब पारस हॉस्पिटल जो काम कर रहा है, इसको अपने स्कूल पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे? ये देखिए, ये हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर है, सबसे निकटतम पड़ोसी है, और इसमें क्या चेंजेस हो रहा है मैं अभी एक साल से देखता रहा हूँ। सब रात को यही रुकता हूँ, मैं यही रहता हूँ, इसे जानता हूँ। रात को आवाज़ें बहुत सारी आती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, इसे रेनोवेट हो रहा है, इसे बहुत सारी सुविधा हम बच्चों को भी लेकर, जब से स्कूल हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले आए तो बहुत खुशी हुई कि इसका पार्ट होने के लिए, और उनको भी खुशी हुई कि उनका एड्रेस हमारा स्कूल का नाम है, अपोजिट प्रभात कर रहा है स्कूल। हमें भी खुशी होती है कि हमारे अपोजिट, हमारे एड्रेस में अपोजिट टू पारस हॉस्पिटल, इसलिए हम लोग दोनों निकटतम हैं। इसलिए एक अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि ये बच्चों के स्वास्थ्य लेकर, समाज का स्वास्थ्य लेकर, अगर समाज स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम कुछ परिकल्पना नहीं कर सकते। मैं फादर विजय कुमार मिंज हूँ एक्चुअली, और प्रभात रहा है स्कूल हिंदी मीडियम का प्रिंसिपल।
थैंक यू सर। सुभाष आराध्य, रीजनल डायरेक्टर पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारा जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है ऑलरेडी बिहार में पटना दरभंगा में है, अभी ये झारखंड की पहल है। और ये जो हमारा झारखंड में लोकेशन आ गया है, यहाँ पे पहले HEC का अस्पताल था, उनके साथ ये पार्टनरशिप होके ये हॉस्पिटल पुनर्जीवित हो रहा है। इसके साथ साथ हम आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी जाके हमारी आउटरीच OPDs जो होती हैं सारे ट्राइबल बेड्स में जाके हमारे डॉक्टर्स वहाँ जाके OPD करेंगे, उनको हमारी सहायता मिलेगी, हमारा जो डॉक्टर टीम का जो लाभ है वो मिलेगा। तो ऐसा एक स्टेप हम लेना चाह रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो हो ही रहा है, 16 को इसका शुभारंभ हो रहा है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो दिन के लिए हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके लिए सारी चीज़ें छोड़ दूंगा। बट ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑलरेडी एक जो लोकेशन है पुनर्जीवित करने के लिए, जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है, डिलीवरीज हो गई है, यही वास्तु में हम और भी अच्छा काम हेल्थ केयर में करना चाहेंगे। झारखंड के रहवासियों के लिए ये पॉजिटिव स्टेप हमारी तरफ से होगा और हमारा ग्रुप यहाँ रहेगा, लंबा रहेगा और अच्छा काम करेगा। आपकी जो आशीर्वाद है वो लेंगे। धन्यवाद।